बुंदेला कॉलोनी गोलीकांड के दो आरोपी पुलिस गिरफ्त में। जी हां, दतिया में रविवार को हुए बुंदेला कॉलोनी गोलीकांड को लेकर शहर में मची हुई थी हलचल, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली टीआई रविंद्र गुर्जर द्वारा की गई कार्यवाही। गोलीकांड के दो आरोपी सौरव और गौरव यादव आए पुलिस की गिरफ्त में। मामला दतिया की बुंदेला कॉलोनी का है, जहां दो बदमाशों की आपसी बहस के चलते हुए गोलीकांड में एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के चलते दो आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो जल्द ही दतिया कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मृतक की बेटी के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध 302 का मामला पंजीकृत कर लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी, बुंदेला कॉलोनी में गोली चली है, हम लोग वहाँ पहुंचे और एक व्यक्ति नारायण दास जो वहाँ घायल अवस्था में थे उन्हें अस्पताल भेजा गया था और उसके बाद वहाँ पहुंच के उनकी देहाती नालिशी ली गई, उस पर से कायमी की गई 302 धाराओं के तहत और उसमें से दो आरोपी सौरभ और गौरव यादव इनको हिरासत में लिया गया है और उनकी बेटी मृतक की बेटी वैष्णो देवी की तरफ से उसमें मर्ग भी कायम किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। दो अन्य आरोपियों विवेक और विकास की तलाश अभी जारी है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।